अगर घर वाले सपोर्ट भी करते तो कम्युनिटी से प्रेशर जरूर होता। जो मसले हैं लोगों के वो सारा लाइक मुझे पता है उनका, नियर तो बिल्कुल है, महरूम रह गया है। एज मुझे मिला है कि मैं माइनॉरिटी, प्रायोरिटी नंबर वन एजुकेशन और हेल्थ पे था। अभी यूथ एम्पावरमेंट की हमें बहुत ज़रूरत है। अपने इलाके को मैं बहुत कंजर्वेटिव समझती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मा सलाम और आप देख रहे हैं द स्पॉट लाइट। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा प्रकाश। आप बुनेर डिस्ट्रिक्ट से हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एक डिस्ट्रिक्ट है, और आप फर्स्ट हिंदू कैंडिडेट हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी PK25 जो कि जनरल इलेक्शन 2024 में आपने पार्टिसिपेट किया था। आइए सैयदा प्रकाश से मिलते हैं। वेलकम टू द शो सवेरा। थैंक यू सो मच। आपने जनरल इलेक्शन 2024 में पार्टिसिपेट किया फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी 25 PK25 से। आपका बैकग्राउंड है, मेडिकल बैकग्राउंड है, आपने MBBS की स्टडी की फ्रॉम AMIC से। तो हाउ डिड यू जंप फ्रॉम मेडिकल टू पॉलिटिक्स? ये एक आई थिंक जैसे मतलब मेरे फादर की स्टोरी उससे रिलेट करती है कि मैं जब अपना हाउस जॉब कर रही थी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज लैक कर रही थी जो बहुत एक एडवर्सली इफेक्ट कर रही थी गरीबों को और फिर उनमें भी ज़्यादा औरतों को। और इस चीज़ को ठीक करने या एड्रेस करने जो वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ की कमी थी, मतलब कि स्पेशल वो सर्जरीज जो होती है वो उसके लिए स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्पेशल कंडीशंस होती है वो नहीं थे, इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं थी। मेरे सामने इस तरह के वाकई हुए कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट के बाद पेशेंट्स आए और उनको रेफर किया गया और वो रास्ते में फोत हो गए। तो इस चीज़ से मतलब मुझे वो हेल्पलेसनेस फील हो रही थी, और ये ऐसी चीज़ है जो एक डॉक्टर जिस मर्जी ग्रेड तक चला जाए वो एड्रेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए मतलब पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाना चाहिए था कि एटलीस्ट कोई पावर हो कि बात तो मानी जाए कि पॉलिसी हम चेंज कर रहे कि ये सिर्फ एक जहाँ पर मैंने हाउस जॉब की है ना वहाँ का मसला नहीं है, जिस इलाके से मैं हूँ बुनेर में वहाँ भी सेम सिचुएशन है। जो बैकवर्ड एरियाज हम कह सकते बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज हो गए सर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले जो उनका एड्रेस नहीं किया जा रहा क्योंकि फोकस नहीं जा रहा। मेरे अपने फादर को बुनेर में हार्ट अटैक हुआ था, उनको रेफर कर दिया था पेशावर। एक हार्ट का पेशेंट है, आप पेशावर रेफर कर रहे हो, 4 घंटे तो लगते हैं, या फिर शाम बात कर रहे हो 5 घंटे लगते हैं। तो ये रास्ते में तो कुछ भी हो सकता है, एक एक मिनट जो है वो मैटर करता है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मुझे था कि पॉलिसी मेकिंग की तरफ आना चाहिए। राइट, आपने अपने फादर का जिक्र किया कि आपकी स्टोरी जो है वो उनसे मिलती जुलती है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ योर फादर इंस्पायर्ड यू? मेरे फादर तो बेसिकली सोशल वेलफेयर के काम में उससे मतलब मैं इंस्पायर हुई ना। उनका भी मतलब इस तरह का एक वाकया था कि हॉस्पिटल में, वो भी डॉक्टर हैं, तो हॉस्पिटल में वो काम कर रहे थे, वहाँ पे एक औरत आई है, हाथ में बच्चा उठाया हुआ था, और पापा को बोला कि आप इस बच्चे को चेक करें। तो पापा ने जब देखा तो बच्चा तो फौत हुआ हुआ था, तो वो बता नहीं पा रहे थे कि कैसे अब एक माँ को बताएं, पर फिर बता दिया। तो फिर जब वो लोग चले गए तो पापा ने पूरे स्टाफ को बुलाया कि क्या सीन हुआ था, ये पूरी स्टोरी मुझे बताएं। सीन ये हुआ था कि बच्चा एडमिटेड रहा है, उसका कोई मसला था और ब्लड चाहिए था और वहाँ पे ब्लड की फैसिलिटी नहीं थी। उससे फिर मतलब स्टाफ वालों ने तो उसके फादर को बता दिया था कि ब्लड चाहिए तो आप अरेंज करवा ले। वो वहाँ पे सादा बंदा था, इलिटरेट, तो वो जाके सारे दुकानों में पूछता रहा है कि ब्लड है, मतलब ब्लड चाहिए। लाइक पूरी तरह से उसको समझाया नहीं गया था, स्टाफ का भी मतलब वो उनकी एक कमी थी। उसके बाद फिर पापा मतलब जब ये स्टोरी का पता चला तो पापा मतलब बहुत इस चीज़ ने पापा को इफेक्ट किया था। पापा ने अपना ही ब्लड बैंक खोल दिया, सबसे पहले पापा ने अपना ब्लड डोनेट किया, फिर जितने भी स्टाफ वाले और दोस्त वगैरह थे उनसे रिक्वेस्ट की और फ्री में ही मतलब ब्लड देते रहे। उसके बाद
पापा ने जब अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, फिर जब अपना सेंटर बनाया, तो बोर्ड के बाहर हमेशा से यही लिखा होता है कि ऑर्फन्स, विडोज, गरीब और मदरसे के बच्चे वगैरह के लिए पूरी ट्रीटमेंट भी फ्री और मेडिसिन भी पापा फ्री देते हैं। तो मतलब इस चीज़ से मैं इंस्पायर थी, और ये जो एक वेलफेयर का ये जो जज्बा था ना, वो पापा से मतलब मुझे हमेशा था। मैं डॉक्टर भी इसीलिए बनी थी कि मैं पापा की तरफ करूँगी। पर वही जो हॉस्पिटल में फिर मैंने देखा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मतलब मेरी सोच थोड़ी कम छोटी थी कि मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर सकूँगी जो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, पर एज अ पॉलिसी मेकर मतलब मैं ज़्यादा वाइडली लोगों की हेल्प कर सकूँगी। राइट, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दीज जनरल इलेक्शंस? आपको क्या कोई हर्डल्स पेश आए या आपको चैलेंजेस थे? चैलेंजेस हाँ जरूर थे, एज इन के मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैंडिडेट थी। के पी में पीपीपी वीक है, और बुनेर में हम कह सकते कि है ही नहीं, ना कोई तंजीम है, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं है। तो बाई नेम है पर रियल में कुछ भी नहीं है। सही, तो आपने अपनी कैंपेन कैसे की? कैंपेन लिटरली मतलब आप सोचें, इमेजिन करें कि मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है पॉलिटिक्स में, मेरे पापा सिंपल वर्कर रहे पीपीपी के, और मैं मतलब कैंपेन कर रही हूँ। मेरे पास सिर्फ दो बंदे, पापा और पापा के एक दोस्त थे, हम तीन बंदे कैंपेन कर रहे थे। मतलब ये बहुत मुश्किल था क्योंकि कोई नेटवर्क नहीं था, कोई मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली कि जब आप एक प्रोविंशियल असेंबली में इतनी बड़ी उनके लिए सीट जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ने जा रही है, तो उनकी तरफ से कोई सपोर्ट भी थी? लीडरशिप की तरफ से थी, पर जो लोकल लेवल पे है ना, तो वहाँ पे नहीं थी। हमारे तो इवन इलेक्शन के दिन पोलिंग एजेंट्स सिर्फ तीन स्टेशन पे पोलिंग एजेंट्स थे, वो भी मतलब फैमिली से कजन्स वगैरह। और तो लिटरली मतलब ना कैंपेन के लिए वॉलंटियरली लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मतलब अपनी तरफ से काफ़ी लड़के मुझे मिले भी थे यंग के, जो जिन्होंने बताया था कि हम मतलब इसी स्टेशन पे खड़े थे, तो तीन चार स्टेशन पे इस तरह से वॉलंटियरली खुद लोग खड़े थे, पर कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से या पार्टी की तरफ से नहीं था, उल्टा था। तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्यों चूज की इलेक्शन लड़ने के लिए? आपके पास भी मरेंगे भी ऑप्शन था, पीटीआई बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी केपी में, तो व्हाई यू डिड नॉट गो फॉर पीटीआई रादर देन यू नो वेंट फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वो थोड़ी सी आइडियोलॉजी की बात आ जाती है। मेरे पापा, जिसमें बताया कि पापा 1995 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसकी वर्क कर रहे हैं, मैं खुद लाइक पैदा हूँगी 1998 में, मतलब कि जितना मुझे जितने साल सपोर्ट किया उससे तो ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। खैर, तो क्रेडल से लेके मतलब अभी तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो इनकॉर्पोरेट होती रही है। फिर साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनसे कौन नहीं इंस्पायर्ड, मतलब कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में एज अ फर्स्ट एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर वो आई थी, जो चैलेंजेस और हर्डल्स जितने मतलब साजिशें होती रही उन सबको फेस करके फिर भी मतलब उन्होंने ये सीट ले ली थी, तो उससे तो इंस्पायर होता है बंदा। फिर और भी लाइक बहुत ज़्यादा फैक्टर्स, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका लिटरली मतलब कि इंटरनेशनली उनको रिकोगनाइज करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहब को इंटरनेशनली रिकोगनाइज करते हैं। मैंने रिसेंटली बल्कि आज ये स्टोरी एक सुनी कि एक फ्रेंड है, तो उन्होंने बताया कि उनको एक पैलेस्टाइन की एक औरत थी एजड काफ़ी, कि वो मिली थी और वो भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तारीफें कर रहे थे कि उस टाइम जब उनका टाइम था, उनके पास रूल थी, तो कि पाकिस्तान के हालात कितने अच्छे थे, कि वो जो औरत थी उसके हस्बैंड, उन्होंने मेडिकल यहाँ लाहौर से किया था, जो ज़ुल्फ़िकार साहब ने जो कोटा स्पेशल रखा था उसके थ्रू। तो अभी तक इस तरह की जो चीज़ें थी ना वो डिस्कस होती है, बाहर मुल्कों में याद रखी जाती है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं। पर ये जो आइडियोलॉजी हेल्प करने की, और ये जो वर्कर और पुअर क्लास और फिर माइनॉरिटीज को, वीमेन को एम्पावर करने की, ये सबसे ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही लगी है। और सच में वो ट्राई करते कि इंक्लूसिव रहे जितना उनसे हो सकता है। लीडरशिप
बहुत ज्यादा इस चीज को पे फोकस कर रही है, पर वो फिर रास्ते में वो हर्डल्स जब आ जाते हैं तो सही, क्योंकि आपका तल्लुक भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, तो क्या इस बेस पे आपके साथ कोई आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ा अपनी ही कम्युनिटी के अंदर, कि एक जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से उठ के एक जो है वो यंग पॉलिटिशियन वो इमर्ज हो रही है और वो कंटेस्ट कर रही है इलेक्शंस के लिए, तो और आपके जो ऑपोजिट पे जो लोग थे उन्होंने कोई आपके लिए कोई मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की, या आपको कोई ऐसा फील हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन आपको कहीं किसी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन आपको सपोर्ट जो एक नेटिव आपको एक सपोर्ट थी वो किस तरह की थी आपके साथ? सपोर्ट बहुत ज्यादा थी क्योंकि जब मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही थी इलेक्शन के लिए तो उस टाइम मुझे माइंड में मेरा सबसे पहला वो था कि यार मैं तो मतलब बुनियर से मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुई और पूरे पाकिस्तान से फर्स्ट माइनॉरिटी फीमेल जो पार्टी के टिकट से कॉन्टेस्ट कर रही, तो इस चीज़ पे मतलब मुझे था कि इससे पहले तो कोई औरत बुनियर से तो किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया, फिर माइनॉरिटी तो मतलब पाकिस्तान से ही कॉन्टेस्ट नहीं किया, तो ये कैसे होगा, मुझे तो सपोर्ट नहीं मिलने वाली। एक दो दिन मुझे ये टेंशन रही है, फिर टोटली ख़त्म हो गई थी कि उल्टा मुझे फिर बाद में लगने लगा कि मुझे इससे एज मिल रही है, क्योंकि अगर बुनियर से कोई फीमेल ऐसे इलेक्शन के लिए निकलती मुस्लिम फीमेल, उसको एक तो घर वालों से रिस्ट्रिक्शन, अगर घर वाले सपोर्ट भी करते तो कम्युनिटी से प्रेशर ज़रूर होता, उसकी फैमिली पे भी होता, तो मेरे फैमिली में भी मेरे कज़न्स वगैरह ने मतलब मुझे ये जब मैं बाहर डोर टू डोर शॉप्स कोशिश की नहीं मुझे वो कहते कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये बुनियर है, ये यहाँ पे सारे पख्तून है, तुम क्या कर रही हो बाहर ऐसे निकल रही हो कि फेस कवर नहीं किया हुआ, और इस तरह से मुझे ये चैलेंज फील हो रहा था, पर एज मुझे मिला कि मैं माइनॉरिटी हूँ तो मतलब इतना प्रेशर नहीं था, तो इसमें तो एज मिल गया। पर ओवरऑल अपोजिशन जो होती है वो तो पार्टीज में होती है, नहीं डिस्क्रिमिनेशन में ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि एज ही मिला है। राइट, अच्छा तो अभी आपके क्या एक जो फ्यूचर प्लान्स है उनमें आप क्या देखती हैं कि लाइक आपने सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम के लिए ही काम करना है या आपके प्लान्स में कोई और भी चीज़ें शामिल हैं? नहीं सिर्फ हेल्थ केयर नहीं, मैं मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, अभी मुझे वो भी टाइम याद है जब पेरेंट्स रेंट पे रहते थे और मतलब कि जब लोअर क्लास से हम थे ना, तो जो मसले हैं लोगों के वो सारा लाइक मुझे पता है उनका, जो एवरीडे लाइफ में जो मसले हो रहे होते हैं, तो लाइक बहुत ज़्यादा कमी है, बुनियर तो बिल्कुल ही महरूम रह गया है ना, तो उन चीज़ों को भी एड्रेस करनी चाहिए। कंपेन में सबसे ज़्यादा मैं मतलब प्रायोरिटी नंबर वन एजुकेशन और हेल्थ पे था, और साथ में इन्वायरमेंट पे भी, वहाँ पे इन्वायरमेंट के भी बहुत ज़्यादा लाइक मसले हैं, तो बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे काम करने वाली, और लाइक मैं नहीं बता सकती किसी चीज़ में कोई अच्छा है कि नहीं, यहाँ पे काम नहीं करना कि ये प्रॉपर परफेक्ट है, यहाँ पे काम मतलब नहीं चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और अनफॉर्चुनेटली पिछले जो हुकूमतें थी लाइक हमने ट्रस्ट किया था तो उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, और फिर भी मतलब एज अ फीमेल मैं शायद एक मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं एक न्यू पर्सपेक्टिव लाती हूँ कि जो मर्द जो जिन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो फीमेल्स डिफरेंट थोड़े से उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट चीज़ें टेबल पे लाती है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बेनिफिट हो सकता है कि हम ओवरऑल वीमेन एम्पावरमेंट करें और वीमेन को भी लेके आए तो जो काम है वो अच्छी तरह से कर सके। अच्छा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमारे पाकिस्तान में यूजुअल होती है, सो हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन यू नो प्लेसिंग इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? हाँ टोटली, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री भी पूरी देख लें तो वो चांसेस देती है ज़रूर, जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए उनको ज़रूर चांसेस मिलते हैं, तो मुझे तो उम्मीद है, मुझे पूरा लाइक यकीन है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कोई पोजीशन मिल जाएगी जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिस्टम जो
है उसमें इस तरह से एंटर होना तो मुश्किल होता है, पर अभी यूथ एम्पावरमेंट की हमें बहुत ज़रूरत है। जो यूथ जितना समझता है इस दुनिया को ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये जो हमारे पास फ़ोन है हमें हर चीज़ का पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर हम यूथ को एम्पावर करें, जो मैंने कंपेन भी चलाई है, इतने मुझे टैलेंटेड और क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव यूथ मुझे मिली है ना, कि मैं मतलब नहीं थी सोच सकती कि इस तरह भी होता है। कि मतलब अपने इलाके को मैं बहुत कंजर्वेटिव समझती हूँ, कि हमारे कंजर्वेटिव इलाके में भी ऐसे है, पर बहुत अच्छे लोग हैं, पर उनको मौका नहीं मिल रहा। मतलब हमारे पास गाइडेंस भी नहीं है, हम अपॉर्चुनिटी भी यूथ को नहीं देते। थोड़ी सी हम ये यूथ एम्पावरमेंट कर लेना तो उससे कंट्री जो है ना बहुत अच्छी तरफ बहुत जल्दी जा सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर, और वी मेक 64% ऑफ आर पॉपुलेशन राइट, और बड़ी हुकूमतों ने बड़े नारे भी लगाए यूथ एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन मसला ये आता है कि जब वो पावर में आते हैं तो आप कैबिनेट जो उनकी होती है, जो उनकी कोर कैबिनेट होती है, उनमें कभी हम यूथ नहीं देखते हैं, या असम्बलीज में हमें उतनी रेशो नहीं मिलती है यूथ की, यूथ की रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि आप इस सिस्टम आप कैसे पेनिट्रेट करेंगे? इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू नो, द पॉलिटिक्स, आर यू रेडी फॉर दैट हार्ड वर्क? हाँ, मैंने मतलब माइंड जब दो ऑप्शन से ब्यूरोक्रेसी और साथ में पॉलिटिक्स के, इन दोनों के थ्रू में ट्राई करूंगी कि कोई चेंज ले आऊँ। तो फिलहाल मैं अभी पॉलिटिक्स परस्यू कर रही हूँ, और मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह विद द टाइम के कुछ हो सकेगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड। हाँ जी, पर मेरा मतलब उस टाइम फिर फोकस होगा, अगर मुझे कोई पावर मिल गई, कि मैं एजुकेशन पे फोकस लेके आऊँ लोगों की, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम अगर देख रहे पिछले साल 1.4334% बजट का एजुकेशन पे दिया था, ये क्या है? मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। हमें लाइक एजुकेटेड लोग चाहिए, एक औरत एजुकेटेड औरत जिस तरह से अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है, उस तरह से नहीं हो सकता। हमारे दुनिया में भी औरतों को मतलब बच्चियों को स्कूल जाने नहीं देते, इस तरह की काफ़ी मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि एक तो स्कूल्स बहुत दूर है, फिर वो वहाँ पर गुर्बत भी बहुत है, तो पेरेंट्स के लिए अगर स्कूल फ्री है, गवर्नमेंट स्कूल है, रास्ते का जो ट्रैवलिंग के जो फीस है ना, वो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर हम स्कूल्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लड़कियों को हम एजुकेट करें, तो हमारी एक ही जनरेशन में जो न्यू जनरेशन आ जाएगी ना, तो वो एजुकेटेड होगी, वो डिफरेंटली सोचेगी। तो एक ही जनरेशन में हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, पर काम हमें लाइक बहुत ज़्यादा फोकस करके अभी करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में, अगर नहीं तो हम जैसे स्लोली अभी तक जो पाकिस्तान जब से बना है अभी तक ये स्लोली हम चल रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना स्लोली बना था, और इस तरह से अभी तक हम चल रहे हैं कि एक स्टेप पे हम पता नहीं कितने डेकेड्स ले लेते हैं, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हम बहुत पीछे रह गए हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यंग वुमेन है, जो आपकी तरह पॉलिटिक्स में आना चाह रही हैं, बिकॉज़ वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल आज के दौर में? सिर्फ मेरा एक ही मैसेज है कि फर्स्ट स्टेप से डरे नहीं। पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज है कि प्लीज अपने बच्चों को, बच्चियों को और लड़के लड़कों दोनों को सपोर्ट करके सबको एजुकेट एटलीस्ट करे, कि उन पर ट्रस्ट करे। जैसे हमारा इलाका, वहाँ पे तो कॉलेज एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो वो मैंने पर्सनली खुद भी बाहर से मैंने FSC की है, मतलब लाहौर से। तो अगर इस तरह का भी वो आता है मसला के नहीं है कॉलेज या आप नहीं सेटिस्फाइड, तो अगर बाहर भी बच्चे को भेजना पड़े, तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं प्लीज़ भेजे, ट्रस्ट करें उन पर, क्योंकि हम कहते हैं कि औरतें वीक है, और मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं चला सकती, पर हम अगर देख रहे पैट्रियार्की से पहले मैट्रियार्की थी, घर में मतलब जब मर्द घर में नहीं होते तो औरतें चला रही होती है घर, तो औरतों में भी एबिलिटी है कि वो काम करे, ना सिर्फ घर को पर कंट्री को भी। तो हमें एक चांस देना चाहिए, हमें ये न्यू पर्सपेक्टिव जो है वो लाना चाहिए। तो मैं मतलब एक अपील है जो यंग लड़कियां हैं, औरतें हैं, कि प्लीज़ आप अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखें, हमें इस कंट्री को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 51% पॉपुलेशन औरतों की है, तो अगर हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन
ऐसी डोरमेंट रहे तो कंट्री आगे नहीं जा सकती। राइट, बिल्कुल सही आपने बात की। हमारा एक सेगमेंट है, मैं मुजफ्फर करती हूँ, तो मैं आपको कुछ डेट्स के नाम बताऊंगी, आपने बताना है कि क्या आप वाकियात की जो उन तारीखों में हुए हैं आप उनकी मुजम्मत करती हैं या नहीं करती। तो सबसे पहले मेरा है 8 फरवरी 2024 जनरल इलेक्शन सब हुए थे और हमने एक बड़ा एक रिग्ड इलेक्शन देखा। नहीं करती आई थिंक। राइट, 9 फरवरी 2023 जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया और राइट्स वगैरह टोटली करती हूँ। 27 दिसंबर 2007 जब बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट किया गया था, ये ऑब्वियसली करती हूँ। राइट, 4 अप्रैल 1979 जब भुट्टो को जुडिशल मर्डर किया गया उनका, टोटली यस। राइट, हमारा एक और सेगमेंट है मुफ्त मशवरे का, मैं आपको कुछ शख्सियात के नाम बताऊंगी और आपने उनको एक एक मुफ्त मशवरा देना है। सबसे पहले आप बिलावल भुट्टो साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? कि जो उनकी स्ट्रगल है, जो वो ट्राई कर रहे हैं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के स्टेप्स पे चले, तो उसको कंटिन्यू रखें और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें वगैरह हैं तो उन पे फोकस लेके आए, क्योंकि चेंज उसमें भी लाना चाहिए। सही, शहबाज शरीफ साहब को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? कि ये जो वही जो पुअर क्लास और लेबर क्लास उन पे फोकस ले आए, उनकी नीड्स प्रोवाइड कर रहे, उससे बहुत फायदा हो सकता है। राइट, इमरान खान को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जैसे कि वो माइंड में फर्स्ट ही थॉट आया, जैसे कि जजेस ने उनको एडवाइस किया था कि अपने जो और पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनसे डिस्कशन करें, डिस्कशन और डायलॉग के थ्रू ही वैसे भी सॉल्यूशंस आते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सवेरा आपके कीमती वक्त का, आपसे बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही हमारी। हमें अपनी प्रायोरिटीज को रीप्रायोरिटाइज करना चाहिए और जो हमारी 64% ऑफ यूथ है उसको चांस देना चाहिए टू ब्रिंग न्यू पर्सपेक्टिव और इसी से पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन हो सकती है। आप अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।